कांग्रेस और बीजेपी ने रेगर समाज के प्रतिनिधि को नहीं दिया टिकट तो उतारेंगे निर्दलीय उम्मीदवार। कल आयोजित हुई प्रेस वार्ता में कहा, दोनों पार्टियों में हमारे समाज के हैं चार चार प्रतिनिधि। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कल इंडोर स्टेडियम में रेगर समाज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। रेगर समाज ने कहा कि देश की सबसे बड़ी दो पार्टी भाजपा और कांग्रेस से मांग है कि विधानसभा चुनाव में उनके समाज के प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए। इनका यह कहना है कि दोनों ही पार्टियों में हमारे समाज के चार चार उम्मीदवार हैं, और अगर दोनों ही पार्टियों ने टिकट नहीं देती तो रेगर समाज अपना निर्दलीय उम्मीदवार इस साल मैदान में उतारेगी। आज रेगर समाज अजमेर द्वारा एक प्रेस वार्ता की जा रही है इंदौर स्टेडियम अजमेर के अंदर। उसके अंदर हमारे समाज द्वारा अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से एक मांग की जा रही है कि हमारे समाज की जो अनदेखी कई वर्षों से की जा रही है, उसके लिए हमें हमारे रेगर समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए बीजेपी और कांग्रेस से। और बीजेपी से भी हमारे समाज के चार प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस से भी हमारे समाज के चार प्रतिनिधि हैं। यदि दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के मुख्य जो कर्ता धर्ता है, यदि हमारे समाज की उपेक्षा करता है, समाज को टिकट नहीं देता है, तो हमारे समाज आगे की रणनीति तय करेगा और निर्दलीय उम्मीदवार भी उतार सकता है। और समाज इतना बहुल्य क्षेत्र होने के साथ में नहीं, इधर तो मांग भी कर रहे हो दोनों तरफ से पार्टी से, और फिर इसका भी निर्दलीय नहीं देते। अगर यदि समाज को टिकट नहीं मिलता है तो उस स्थिति में समाज सार्वजनिक रूप से आम सहमति से निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की स्थिति में रहेगा। हमारे समाज पूरे आठों विधानसभा क्षेत्र अजमेर के अंदर आते हैं, जबकि कोड़ी समाज का एकमात्र अजमेर दक्षिण के अंदर ही बाहुल्य है। उसके उपरांत भी हमारे रेगर समाज को उपेक्षा की जा रही है, तो हमारी पूर्ण जोर मांग है कि हमारे एक टिकट अजमेर दक्षिण के लिए जरूर दिया जाए, जिससे हमारे समाज को भी विधानसभा में भागीदारी मिल सके और हमारा प्रतिनिधित्व आगे जा सके। हमारे समाज ने समय समय पर सभी पार्टियों का सहयोग किया, उसके उपरांत भी हमारी सभी पार्टी हमारे समाज की उपेक्षा करी जा रही है। और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमारे पूर्व महापौर कमल जी बोकलिया द्वारा जब कांग्रेस पार्टी ने उन पर समाज पर एक भरोसा बताया कि रेगर समाज के व्यक्ति को टिकट देकर, तो हमारे पूरे समाज ने, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हर समाज के बंदे ने अपना मत रेगर समाज के बंदे ने उस पार्टी को दिया और उस व्यक्ति को जीता है। समाज एकजुट है और आगे की रणनीति समाज समय समय पर आप लोगों को बताएगा। धन्यवाद। नाम प्रेमपाल गोस्वामी, एडवोकेट, मीडिया प्रभारी, कोर कमेटी।